स्वागत है आप सभी का। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बिहार में शराबबंदी है, यहां शराब पीना और पिलाना दोनों ही अपराध है। सरकार दावे कर रही है कि बिहार में शराबबंदी प्रभावी है, लेकिन जहरीली शराब से हो रही मौत के आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि बिहार सरकार के दावे कितने खोखले हैं, यह बताने के लिए काफी है। बिहार में महज 41 दिन पहले जहरीली शराब से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और अब एक बार फिर सिवान में जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। सिवान में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। जहरीली शराब का सेवन करने वाले 6 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी तक खो बैठे हैं। इस घटना से जिला प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। शराबबंदी वाले बिहार के सिवान में जहरीली शराब का कहर अभी भी जारी है। सरकार इसे चाहे जितना भी झुठलाने की कोशिश करे, लेकिन ये सच है कि नीतीश की सरकार बस आम जनता से झूठे वादे करना जानती है, उसे पूरा करना नहीं। बीती रात से अब तक 5 लोग शराब पीने के बाद बीमार होकर मौत के शिकार बन चुके हैं। यह आंकड़ा बढ़ सकता है, अभी भी 7 की हालत गंभीर है। इस घटना से सिवान जिला प्रशासन के होश उड़ चुके हैं। प्रशासन की टीम गांव में कैंप कर रही है, तो पुलिस सिवान के साथ साथ सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जहरीली शराब पीकर जिन लोगों की मौत हुई है, उनकी पहचान सुरेंद्र रावत, नरेश रावत, धुरेंद्र मांझी, जनक देव रावत और राजेश रावत के रूप में हुई है। लोगों की मौत के बाद परिजनों का कहना है कि शराब पीने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। शराब पीकर जान गंवाने वाले धुरेंद्र मांझी की पत्नी सोहेला देवी ने बताया कि उनके पति रविवार की देर शाम शराब पीकर घर लौटे, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। इस दौरान उनकी पहले ही आंखें लाल हो चुकी थी और फिर रोशनी चली गई, जिसके बाद उन्हें नबीगंज अस्पताल ले गया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने की वजह से उन्हें सिवान ले जाया गया। यहां से उन्हें पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। धुरेंद्र मांझी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं। इधर प्रशासन ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रखी है। सिवान सदर अस्पताल और बाला और भोतपुर गाँव में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। मृतक के परिजनों को मीडिया से बात करने पर रोक लगा दिया गया है। सिवान के डीएम अमित पांडे ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितने लोगों की मौत हुई है। पिछले माह जब बिहार में जहरीली शराब पीने से 80 लोगों की मौत हुई थी, तब इस पर खूब हंगामा हुआ था। बीजेपी ने सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। जब बीजेपी ने इसे नरसंहार बताया था और कहा था बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। बीजेपी शराबबंदी के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की थी, जिसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि जो पिएगा वही मरेगा। और अब एक बार फिर लोगों की मौत के बाद ये मामला गर्मा सकता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।